हे गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा फिलिप शांति ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहा है कुछ मंगाने, शॉपिंग करने। क्या लाएंगे शांति जी? हमारा एक न्यू बेड लाएंगे और वाटर टैंकी लाएंगे। तो कैसा तो कैसा होगा कमेंट में जरूर बताइए। अभी हम जाएंगे और शांति जी उधर ही तैयार हो रहा है। तो मैं तैयार हो गया हूँ, प्रियांशी भी तैयार हो गया है। तो अभी हम निकालेंगे मार्केट जाने के लिए। तो पूरा तैयार होने के बाद निकलते हैं और चलते हैं मार्केट में। बस तो हम शॉपिंग करने के लिए निकल गए हैं, पैदल ही चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर ऐसा है। देखो शांति जी निकल गए हैं, हम भी एक साथ जा रहे हैं। प्रियांशी को मैं ले लिया हूँ और ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर है, जाके आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या क्या हम शॉपिंग करते हैं। आप लोग भी बने रहे हमारे वीडियो में। हम गोडाउन रूम में आ गया है, तो ये तकलीफ कर रहा है। ये देखो हम शॉपिंग क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। गोडाउन रूम में है, तो ये है हमारा न्यू बेड और ये वाटर टैंकी है, आप लोग देख सकते हो। यह है वाटर टैंकी और वो हमारा नया बेड केरला मनी। थोड़ा बड़ा साइज लिया है क्योंकि अभी फैमिली भी बड़ा हो रहा है, इसलिए बड़ा साइज ले रहा है। और भी कुछ सामान मंगाना है तो आगे दुकान में है। तो अभी गोडाउन रूम इधर है, उसका प्लाई है, अच्छा प्लाई है, ये अच्छा मोटा है, तो हम यही मंगाने के लिए आया है। तो सब बने रहे वीडियो पे। पूरा शॉपिंग हो गया है, ये देखो ठेला गाड़ी में लेके जा रहा है, पूरा शॉपिंग करके हो गया है। अभी ठेला से लेके जा रहे हैं, पैदल ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए पैदल ही चल रहे हैं। और वो उधर ही पीछे है शांति जी, तो प्रियांशी सो गया है तो उसको लेकर पीछे है। और मैं ये ड्राइवर बन गया हूँ और एक है ये हमारे साथ चल रहा है पीछे पीछे। तो वीडियो पे बने रहिए, जाके इसको फिटिंग करना पड़ेगा। फिर आज का शॉपिंग इतना ही था। तो कैसा है हमारा बेड और ये वाटर टैंकी कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलो चलते हैं हमारे वीडियो के आगे और बने रहिए। देख रहे हो हमारा बेड आ गया, ये हमारा पलटन लोग अभी अनलोड कर रहा है, ये देख सकते हो। एक मिनट लॉक है, एक बार ढुका दो देखो क्या की। ये देखो इधर पाइप भी मंगाया है। देखो हमारा सोफा कितना अच्छा, नया पलंग में नया सोफा, अच्छा है ना, देसी सोफा। ये हमारा गांव में ठंडा में सभी यही यूज करता है, धान का निकला हुआ, वो हमारा भाषा में पोरा बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है इतना मालूम नहीं। आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो शांति जी उधर ही काम में बिजी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए सबको बाय बाय।